क्वेश्चन नंबर वन, कैट स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी, ऑप्शन बी क्राइसिस सेक्शन टीम, ऑप्शन सी कंप्यूटेड एडेड ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी कंप्यूटेड अडेप्टिव टेस्ट। इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी। जो कैट का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर होगा कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी। रेडियोलॉजी में कैट का मतलब होता है कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी। टोमोग्राफी दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, टोमो मीन्स कटने सेक्शन, ठीक है, ग्राफ मतलब फोटो या इमेज, ठीक है। यहाँ पर एक्सेल का मतलब होगा ये डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो टोमेटो की स्लाइसिस आपको दिख रही है कुछ इसी तरह की इमेज सीटी स्कैन में ली जाती है। सपोज करो ये ब्रेन है और इसका हम सीटी स्कैन किया जाए तो कुछ एक्सेल जो कट होंगे इसको इसी तरह के आएंगे, ठीक है, और इसी को एक्सेल टोमोग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, सीटी स्कैन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन बी रोंजेन, ऑप्शन सी गॉडफ्रे हॉर्नफील्ड, ऑप्शन डी एरिस्टोटल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गॉडफ्रे हॉर्नफील्ड। सीटी स्कैन को गॉडफ्रे हॉर्नफील्ड ने डिस्कवर किया था। हॉर्नफील्ड एक ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे ईएमआई लिमिटेड कंपनी में। ईएमआई लिमिटेड कंपनी एक इलेक्ट्रो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी थी जिसने पहला सीटी स्कैन इंट्रोड्यूस किया था। ये फोटो है सर गॉडफ्रे हॉर्नफील्ड की जिन्होंने सीटी स्कैन डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर थ्री, सीटी स्कैन इज नोन एज एक्सेल टोमोग्राफी बिकॉज, ऑप्शन ए एक्सेल इमेजिंग प्लेन इज यूज्ड, ऑप्शन बी सजाइटल इमेजिंग प्लेन इज यूज्ड, ऑप्शन सी कॉर्नल इमेजिंग प्लेन इज यूज्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सेल इमेजिंग प्लेन इज यूज्ड। सीटी स्कैन को एक्सेल टोमोग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक्सेल प्लेन का यूज होता है। सीटी स्कैन में एक्सेल प्लेन का यूज होता है इसलिए हम इसको एक्सेल टोमोग्राफी बोलते हैं। जो कॉर्नल प्लेन होता है वो डिवाइड करता है बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, और जो सजाइटल प्लेन होता है वो डिवाइड करता है बॉडी को राइट और लेफ्ट में, और तीसरा जो हमारा एक्सेल प्लेन है वो बॉडी को डिवाइड करता है अपर और लोअर में। अब हम इस इमेज के थ्रू समझते हैं सजाइटल और कॉर्नल प्लेन और एक्सेल प्लेन क्या होते हैं। जो हमारा पहले नंबर का जो ये सजाइटल प्लेन है, ठीक है, ये बॉडी को डिवाइड कर रहा है राइट और लेफ्ट में, ठीक है, और सेकंड नंबर पर जो कॉर्नल प्लेन है ये बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में, और थर्ड नंबर हमारा एक्सेल या ट्रांसवर्स, ये बॉडी को डिवाइड करता है अपर और लोअर में। इसी के बेस पर हम सीटी की इमेजेस लेते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं बीच में जो सजाइटल प्लेन है ये बॉडी को डिवाइड कर रहा है राइट और लेफ्ट में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर जो है कॉर्नल प्लेन ये बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो एक्सेल प्लेन है ये डिवाइड करता है बॉडी को अपर एंड लोअर। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डज स्काउट और टोपोग्राम इज टेकन इन सीटी स्कैन, ऑप्शन ए टू प्लान फॉर स्पेसिफिक बॉडी सेक्शन, ऑप्शन बी टू सी पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट, ऑप्शन सी टू सी एनी फॉरेन मटीरियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सीटी स्कैन में स्काउट इमेज या टोपोग्राम लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। ये दो टोपोग्राम इमेजेस हैं, पहला हमारा हेड का टोपोग्राम, ठीक है, दूसरा हमारा चेस्ट या एब्डो का टोपोग्राम। ये स्कैन से पहले टोपोग्राम लिया जाता है चेक करने के लिए कि पेशेंट की पोजीशन ठीक है नहीं है, ठीक है, और दूसरा पेशेंट के बालों में कोई हेयर क्लिप या कपड़ों में कोई पिन वगैरह ना हो, ये सब चेक करने के लिए इस इमेज को लिया जाता है, और तीसरा जो हमें प्लान करना है सेक्शन स्कैन करने के लिए उसको हम अच्छे से इसमें प्लान कर सकते हैं, इसलिए हम टोपोग्राम लेते हैं सीटी स्कैन में। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन कंपोनेंट्स फॉर द सीटी स्कैनर टू वर्क, ऑप्शन ए एक्सरे सोर्स, ऑप्शन बी डिटेक्टर, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सीटी स्कैनर को वर्क करने के लिए जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो एक्सेसोर्स डिटेक्टर और कंप्यूटर होते हैं। एक्सेसोर्स डिटेक्टर और कंप्यूटर सीटी स्कैनर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सेसोर्स और डिटेक्टर दोनों
एक साथ मूव करते हैं मशीन के अंदर, और जो हाउसिंग होती है जिसमें एक्सरे सॉर्ट्स और डिटेक्टर होते हैं उसको हम गैंट्री बोलते हैं। ये इमेज है सिटी स्कैनर की, इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है जो राउंड वाला पार्ट है उसको हम गैंट्री बोलते हैं। गैंट्री के अंदर एक्सरे सॉर्ट्स या एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि दोनों साथ में मूव करते हैं मशीन के अंदर। और दूसरा है ये पेशेंट टेबल या काउच, ठीक है, इस पर पेशेंट को लिटाया जाता है और पोजिशन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्ट्स एक्सरे सिग्नल दैट कम्स फ्रॉम द पेशेंट। ऑप्शन ए डिटेक्टर, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी एक्सरे सॉर्ट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिटेक्टर। पेशेंट से जो एक्सरे के सिग्नल्स निकलते हैं उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, ठीक है, और आगे भेजता है इमेज की फॉर्मेशन के लिए। डिटेक्टर पेशेंट से आने वाले सारे सिग्नल को कलेक्ट करता है और सेंड करता है दास को, ठीक है, DAS, ठीक है, इसके फुल फॉर्म है यहाँ पर डाटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। इसका काम होता है ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को सेंड करता है इमेज की फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सरे सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू 3D इमेज। ऑप्शन ए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, ऑप्शन सी गेटिंग स्टडीज, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को 3D इमेजेस में, और ये दो तरह का होता है, पहला है एनालिटिक रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम और दूसरा है इटरेटिव एल्गोरिथम। इनके थ्रू जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको 3D इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गैंट्री ऑफ ए सिटी स्कैन मशीन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए एक्सरे ट्यूब, ऑप्शन बी डिटेक्टर्स, ऑप्शन सी सर्किट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सिटी स्कैन की गैंट्री में एक्सरे सोर्स, डिटेक्टर्स और नेसेसरी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। और सिटी स्कैन में जो एक्सरे ट्यूब यूज होती है वो मेटल सिरेमिक होती है। मेटल सिरेमिक एक्सरे ट्यूब यूज इसलिए की जाती है क्योंकि ये ऑफर करती है हाई ट्यूब लोडिंग, रिड्यूस ऑफ फोकस रेडिएशन और अलाउ करती है हाई ट्यूब करंट को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ शेप इज द सिटी गैंट्री और मेन हाउसिंग। ऑप्शन ए डोनट शेप, ऑप्शन बी पिज्जा शेप, ऑप्शन सी पावलोवा शेप, ऑप्शन डी एप्पल शेप। सिटी गैंट्री की जो शेप होती है वो किस तरह होती है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डोनट शेप। सिटी गैंट्री की जो शेप होती है वो एक डोनट की तरह होती है। ये डोनट है, ठीक है, जो कि एक तरह का बिस्किट जिसको कहते हैं। तो जो गैंट्री की शेप होती है वो एक डोनट की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी डिग्री डज द गैंट्री अलाउ फॉर रोटेशन ऑफ ट्यूब एंड इमेज डिटेक्टर्स। ऑप्शन ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 360 डिग्री। गैंट्री में जो ट्यूब और इमेज डिटेक्टर का रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री होता है। एक्सरे सोर्स और डिटेक्टर्स रोटेट करते हैं 360 डिग्री इनसाइड द गैंट्री, और दे बोथ रोटेट साइमल्टेनियसली इनसाइड द गैंट्री, मींस एक साथ मूव करते हैं गैंट्री में और एक पेशेंट के अराउंड मूव करते हैं टू कैप्चर लार्ज नंबर ऑफ इमेज डाटा। ये इमेज है सिटी गैंट्री की जिसमें एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं और पेशेंट के अराउंड ये 360 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है। एवरी रोटेशन ये एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा इकट्ठा करते हैं और कंप्यूटर को भेजते हैं जिससे कि इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी डिग्री कैन द गैंट्री बी टिल्टेड और एंगल्ड। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। गैंट्री को 30 डिग्री तक टिल्ट किया जा सकता है, और गैंट्री को टिल्ट करने की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है जैसे कि हमारे जो बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स हैं जैसे कि आई लेंस, इनको डोज कम किया जा सके। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं गैंट्री टिल्ट प्लस 30 डिग्री और माइनस 30 डिग्री किया जाता है। ये जनरली हेड स्कैन भी किया जाता है।
आई लेंसेज को रेडिएशन से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच कैन द केवीपी गो अप टू इन सिटी स्कैन। ऑप्शन ए 50 to 100 केवीपी, ऑप्शन बी 100 to 200 केवीपी, ऑप्शन सी 120 to 140 केवीपी, ऑप्शन डी केवीपी इज फिक्स्ड। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 120 to 140 केवीपी। सिटी स्कैन में केवीपी 120 से 140 केवीपी तक जा सकता है, और जो टेंस बोन्स होती हैं जैसे कि शोल्डर जॉइंट, उनके लिए हायर केवीपी का यूज किया जाता है। हायर केवीपी मतलब हायर एनर्जी ऑफ एक्सरेज और हायर पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरेज। में जितना ज़्यादा केवीपी होगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी एक्सरेज की। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। इसी तरह की वीडियोस आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।